हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल। और सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। बारिश का मौसम आ चुका है और आज हम देखेंगे कि बारिश के मौसम में हम कौन कौन सी सब्जियां घर में लगा सकते हैं। मेरा मानना ये है कि क्योंकि अब बगीचा भी हमारा है और देखभाल भी हमारी खुद की होती है, तो क्यों ना हम ऐसी सब्जियां भी लगाएं जो ऑफ सीज़न होती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हालांकि चुकंदर वगैरह जो है वो ठंड में लगती हैं, पर मैं आज आपको बताऊंगी चुकंदर कैसे लगाना है। ये देखिए, ये मेरे हाथ में ये जो आप देख रहे हैं चुकंदर के बीज है। ये चुकंदर हम इसको ऐसे स्प्रेड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा डाल देंगे यहाँ चारों तरफ। और क्योंकि ये मिट्टी गीली है इसलिए हम इसमें अलग से पानी नहीं डालेंगे। बारिश का पानी जो है वो अमृत के समान काम करता है, इसीलिए बारिश के जाते जाते तक चुकंदर जो है हमारी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और ठंड के आने से पहले हमारी चुकंदर एक मौसम की तैयार हो जाएगी, तो हम ठंड तक दो फसल ले पाएंगे इसमें। दूसरा जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये भिंडी के बीज हैं। हम एक गमले में चार भिंडी आसानी से लगा सकते हैं। और ये देखिए, एक दो तीन और ये चार, हम इसे कवर कर देंगे। ये इन सब मिट्टी में नमी है इसलिए आज हम इसमें पानी नहीं देंगे। यदि आपको पानी देना है तो आप दूसरे दिन स्प्रेयर से डाल सकते हैं पानी। तीसरा जो है पालक है मेरे पास। पालक एक ऐसी सब्जी है, पालक और धनिया, जिसको हम हर मौसम में लगा सकते हैं और वो हमें हर मौसम में अच्छी फसल देती है। घर पे उगाई हुई पालक जो है वो आप हर मौसम में ले सकते हैं। बारिश वगैरह में जो जनरली होता ये है कि जो बाहर मार्केट में जो भाजी मिलती है बारिश के समय में वो नुकसानदायक होती है, क्योंकि उसमें कई बार कीड़े के अंडे होते हैं। इसीलिए भाजी वगैरह हमें नहीं लेना चाहिए बाहर से, वो सब हम अपने घर पे ही, जब है हमारे पास यदि सामान उपलब्ध है और जगह उपलब्ध है, सारी चीज़ें हैं हमारे पास, तो हम अपने घर पर ही लगाएँ तो वो ज़्यादा अच्छी है। ये हमने पालक के बीज जो हैं, क्योंकि पालक बहुत बड़ी नहीं होती है इसलिए हम बहुत सारे बीज डाल सकते हैं और ये आपको 15 दिनों के अंदर ये फसल दे देगी। और आप चाहे तो पूरी पालक उखाड़ के खा सकते हैं, चाहे तो आप सिर्फ उसके पत्ते आप निकाल के और उसको उपयोग कर सकते हैं। ये हम इसको ये गीली मिट्टी से थोड़ा सा कवर कर देंगे। दबाना इसलिए पड़ता है हमको क्योंकि दबाने से क्या होता है हमारे बीज भी सेट हो जाते हैं और अच्छे से कवर भी हो जाते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में ये बरबटी के दाने हैं और बारिश के समय में सबसे ज़्यादा अच्छी जो होती है वो बेल वाली सब्जियां होती हैं। तो अभी शुरुआत नहीं हुई है बारिश की, अभी थोड़े दिनों में आ जाएगी तो हम पहले से लगा देते हैं जिसमें हमको बारिश में बहुत अच्छी सब्जी मिल जाए। ये देखिए बरबटी के हम एक गमले में हम चार लगाएंगे, एक दो तीन और एक चार, और इसे हल्का सा हम कवर करके ऐसे छोड़ देंगे। अगली जो है इसमें हम लगाएंगे ककड़ी। ये देखिए मेरे हाथ में ककड़ी के बीज हैं, इसमें हम तीन ही लगाएंगे क्योंकि ककड़ी की जड़ों को ज़्यादा स्पेस चाहिए बढ़ने के लिए। दो और एक तीन। नेक्स्ट हम लगाएंगे धनिया। मैंने जैसे आपको बताया था धनिया और पालक दो ऐसी सब्जियां हैं जो हम, और मेथी जो हम उनको अपने हिसाब से लगा सकते हैं, तो हमने ऐसे बस इसको हम इस तरीके से डाल देंगे। देखिए ये 15 से 20 दिन में हमें तैयार मिलेगी।
स्टार्ट। ये मेरे पास लौकी के बीज हैं, तो मैं दो इसलिए लगा रही हूँ कि यदि एक नहीं उगा और एक उग गया तो ठीक है, यदि दोनों उग गए तो फिर हम इसे थोड़े दिनों में अलग कर देंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक। और ये है मेरे पास पीले कुमड़े के बीज, इसको हम यहाँ। और ये जो सब्जियां हैं, लौकी हुई, गिलकी हुई, कुमड़े हुए, ये हमको ठंड में और आगे आने वाले मौसम में मार्च अप्रैल तक ये हमें सब्जियां प्रोवाइड करती हैं, पर इनको हमें सिर्फ बारिश के समय लगाना होता है। ये मेरे पास गिलकी है और हम गिलकी को दो लगाएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और इसको हम दबा देंगे। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने ककड़ी के बीज लगाए थे पिछले हफ्ते, ये बड़े हो गए, ये ककड़ी है, ये भी ककड़ी है, और ये जो आप देख रहे हैं ये गवार फली है ये, और ये आप बीच में देख रहे हैं मैंने पालक डाली हुई है, क्योंकि पालक की जड़ें छोटी होती हैं, तो ये पालक है। और ये बीच बीच में जो आप ये देख रहे हैं ये मैंने धनिया लगा रखी है, ये देखिए ये धनिया है और ये ककड़ी है। इसमें मैंने भिंडी लगा रखी है, भिंडी है, और ये देखिए ये चौलाई की भाजी है। यदि आप इसे खाते हैं, ये बहुत ही पौष्टिक होती है, तो इसे उखाड़ के मत फेंकिए। मैंने इसे नहीं फेंकी है, मुझे हफ्ते में काफ़ी सारी भाजी मिल जाती है। और ये है मेरा पालक, ये पालक है, ये मेथी का पेड़ उग रहा है, और ये भिंडी उगी हुई है, ये ककड़ी का पेड़ है, ये देखिए इसमें फूल निकला है, ये देखिए ये फूलने लगा है ककड़ी, कुछ ही दिन में मुझे इसमें ककड़ी फलने लगेगी। ये इसमें मैंने ये पालक लगा रखी है, पालक है, ये हमारे यहाँ इसको नोनिया की भाजी बोलते हैं, मैं इसे उखाड़ के खाती हूँ। मैंने ये छोटी छोटी, ये देखिए आपको दिख रही होंगी, ये बारीक बारीक मैंने पालक के बीजे डाल दिए थे, तो मुझे अपने घर में ही पालक वगैरह मिल जाती है। और ये हमने लगा रखी, देखिए ये लौकी के पौधे हैं, वो भी लौकी का पौधा है। तो बस अब हमारा जो है अगले 15 दिनों में बारिश के लिए बगीचा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स हमने, बारिश के लिए हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं और किस तरीके से हम अपने घर में ही सब्जियां उगा सकते हैं। तो अगले कुछ नए के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हैप्पी गार्डनिंग।